कुछ नहीं होगा आपकी दुकान में, फिर ये थोड़ी कैसे है भाई? मेरा आदमी तो है नहीं जो मेरा साथ दे। इतना सामान नुकसान हुआ ये कौन भरेगा? कौन नुकसान देगा मेरा? मैं गरीब आदमी हूँ भैया, 2 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था मेरा, पूरा सामान गायब हो गया। बरेली में गैंगवार को लेके जो कार्रवाई चल रही है, आप उन तस्वीरों में देख सकते होंगे जो बिल्डोजर चल रहा है राजीव राणा की संपत्ति पर। जो गैंगवार हुआ था उसमें मुख्य आरोपी राजीव राणा की संपत्ति पर अब बिल्डोजर चल रहा है, और इस बिल्डोजर को लेके यहाँ की जनता क्या कहती है, हम यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए कि जनता जो है ये गिरते हुए होटल को, गिरते हुए संपत्ति को दूर से खड़े हुए देख रही है। अब इस कार्रवाई को लेकर यहाँ की जनता की क्या राय है? पूरी 2 दुकानें खराब हो गई हमारी। यहीं पे आपकी दुकान थी? ना, मेरी दुकान वो थी वो वहाँ पे, बोले कुछ नहीं होगा आपकी दुकान में, फिर ये थोड़ी कैसे है भाई? इतना सामान नुकसान हुआ ये कौन भरेगा? ये बताओ पहले आप कौन है, इसके जिम्मेदार कोई है कहने वाला? अगर इसका हमारा हमें कुछ नहीं, हमें नुकसान चाहिए। 2 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था मेरा, पूरा सामान गायब, वो फोड़ दिया सब नुकसान का। अम्मा उसको पहले हटाने के लिए नहीं बोला था? इनने ये कहा था, सुबह आई थी पुलिस, उनने ये कही आप अपना बंद कर दो, उन्होंने बंद भी करवाया और हम लोग चले आए। बस वो बोले कि आपको नुकसान नहीं होगा, फिर ये हमारा नुकसान कैसे हो गया? किस चीज का आपका खोखा था? क्या था? चाय का खोखा था, बिस्कुट थे उसमें, सब पकौड़ी वगैरह सब बनाते थे सब। 2 खोखा थे मेरे साथ, मैंने अभी 10,000 के 2 खोखा लिए मैंने अभी, और छप्पर डलवाए, मेरा ये 2 लाख का नुकसान हो गया। ये कौन भरेगा? इसका जिम्मेदार मुझे बता दो बस, मैं और कुछ नहीं चाह रही, मुझे बस खाली मुझे इतना था कि मेरे आदमी तो है नहीं जो मेरा साथ दे, मेरा लड़का कुछ करता नहीं, आप बताओ आप क्या करा जाए इसके लिए, आप बता दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तोड़वा रहा है आपने यहाँ के प्रशासन से नहीं कहा था ना? कौन प्रशासन, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं तो खोखपा पे बैठी हूँ, चाय बनाती हूँ बस। नहीं, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो आप वहाँ पे गई थी? उन्होंने ये कहा था कि खाली हम यहीं से निकल जाएंगे, इतनी नीचे हो ये अगर इतनी जल्दी, बोले आप लोगों ने सामान कुछ नहीं निकाला उससे? नहीं निकाला सामान कुछ नहीं निकाला हमने, फिर खोखा खोल लेंगे हम जो है। वो बोले आप थोड़ी देर में आप फिर लगा लेना खोखा, हमने कही ठीक है भैया लगा लेंगे, लेकिन उन लोगों ने दोनों खोखा चले गए मेरे, मेरा बहुत नुकसान हुआ। मुझे ये बता दो कौन नुकसान देगा मेरा? मैं गरीब आदमी हूँ भैया, मैं कुछ कर तो दे सकती नहीं हूँ इसके लिए, मुझे बता दो क्या करना है? 2 लाख का नुकसान हो गया मेरा। आपका भी था यार, क्या इधर वाला हमारा था, काहे का था? चाय का, चाय बिस्किट नमकीन। ये आपको पहले इतला हो गया होगा कि आप लोग केवल ना, ये नहीं कहा कि सामान हटा लीजिए, कहा कि आप जल्दी जल्दी बंद करो, कार्रवाई होनी। अच्छा सुबह सुबह खोखा खोल रखा था? हाँ सुबह खोला, अभी चाय भी रखी मेरी बनी हुई रखी है खोखा के, उसमें चाय भी बना के रखी मैंने और चाय पिलाई भी है, 200 रुपए की चाय भी बिक्री करी मैंने, लेकिन अब ये एकदम बोले बंद कर दो मैंने बंद कर दिया, इनने भी बंद कर दिया, जो भाई अंदर ताला लगा दिया अब उससे हमें क्या मन कर, ये खोखा गिरा देंगे हमारा हमें भैया? हाँ ये बता दो हमारा नुकसान कौन देगा बस, खाली हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो राजीव राणा की संपत्ति है सिटी होटल, उसके पास में ये माता जी का आरोप है कि हमारा, 2 लोग हैं यहाँ पर, इनका आरोप है कि हमारा खोखा था उसमें 1,000 रुपए का सामान रखा था, और कहना है कि मौका नहीं मिला कि हम सामान अपना हटा लें और हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हैं अच्छा खुद हटवाया, अंदर रखवाया, पैक करवा दिया, देखो अभी भी बंद था सब सामान, उड़ने के लिए आप अंदर रख दो, सिलेंडर वगैरह सभी कुछ रखा, अभी तो रखा होगा उसका, अब टूट गया वहां में कहां बचो, सब टूट गया होगा, सब टूट गया वहां में कहां बचे, इतने पूरा भरा हुआ बिस्कुट का पैकेट पूरे खत्म हो गए मेरे, 10,000 का खोखा है, ठीक है अब मेरा, अभी मैंने 10,000 का खोखा लिया वो भी टूट गया, आप बताओ हम क्या करें? हमें कोई ये बता दे कि हम जिम्मेदार हैं, हम देंगे तो हम उसके लिए हैं।